मेरे भाइयों बहनों, मैं अभी कितना गुस्से में हूं मैं आपको बता नहीं सकता। आई कैनॉट एक्सप्लेन इट टू यू हाउ एंग्री आई एम एट दिस मोमेंट। मेरा खून गुस्से से खौल रहा है। मैं अपनी फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा था और एक वीडियो देखता हूं मैं, देखकर मैं किस सिचुएशन में हूं मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता इसको। आई डोंट नो वेदर आई शुड शाउट इन दिस वीडियो। मैं अभी चीख कर आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं रोक कर आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं अपने आंसू दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करूं कि मैं कितने परेशानी में हूं अभी। आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट टू यू कि मैं समझा नहीं सकता। मैं बस आपको एक वीडियो दिखाता हूं जो मैं देखा अभी। आई एम शिवरिंग राइट नाउ। दिस इज अनबेरेबल। हमारा देश कहां जा रहा है हमें खुद अंदाजा नहीं। यू हैव टू सी दिस। आई वॉन्ट पब्लिक टू सी दिस। एक वीडियो देखा मैं। ये है हमारे बीजेपी एमएलए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए। इनका नाम है राजा सिंह और ये है, मुझे पता नहीं, कोई दीपक शर्मा, एक टेररिस्ट है, ठीक है, आतंकवादी है ये। मैं इनका वीडियो दिखाता हूं आपको कि क्या बोलते हैं हमारे दीपक शर्मा, हमारे ये बीजेपी एमएलए राजा सिंह जी। करो, अरे सालों को मैं कहना चाहूंगा जी, जितने भी जो मुल्ले जो गलत कमेंट कर रहे हैं, अबे सालों तुम तुम्हारा इतिहास देख लो, सिर्फ 1400 साल का तुम्हारा इतिहास है, हम तुम्हारे बाप है, हमसे तुम पैदा हुए हो, और ये कमेंट करना छोड़ दो बेटा, तुम्हारे गान में अगर दम है, फेस टू फेस लड़ाई लड़ो, हम तैयार है, तुम तैयार है क्या, देख लो। भाइयों और बहनों, ये है हमारे देश के बीजेपी एमएलए, ये हमारे देश के एमएलए हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट बीजेपी इज नॉट हियर टू रूल दिस कंट्री, दे आर हियर टू गवर्न दिस कंट्री। वो देश पे राज करने नहीं आए, जो भी मन में आए बककर निकलने। वो कहां जा रहा हमारा देश ऐसे एमएलए को देखकर? मेरे लोकतंत्र से, डेमोक्रेसी से, जमहूरियत से मेरा भरोसा उठ गया है। क्या ये डेमोक्रेसी है कि किसी को भी वोट देके आप बैठा दो, बीजेपी एमएलए बना दो? आपको एक और चीज दिखाता हूं मैं। वाईफाई बंद हो गया मेरा, सब कुछ गलत हो रहा है देश में, सब कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भी गलत हो रहा है, वाईफाई बंद हो गया। एक और चीज दिखाऊंगा मैं आपको। ये बीजेपी एमएलए राजा सिंह है, कहते हैं कि ये मुल्ले। एक एमएलए जब शपथ लेता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हाथ रख के शपथ लेता है वो, ठीक है, वो ये हिंदूवाद और मुसलमानवाद बनने के लिए शपथ नहीं लेता कि मुझे हिंदूवाद बनना है, मुसलमानवाद बनना है। मेरे भाइयों, क्या हो गया ये हमारे देश में, क्या हो रहा है ये कि एक बीजेपी एमएलए ये कहता है कि मुल्ले कटुए तुम आ जाओ, तुम्हारी जी में दम है तो, वो जी से क्या शब्द बोला मैं, मेरी जमीन भी मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं वो शब्द को बयान कर सकूं आपके सामने। और मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूं, बस थोड़ा धीरज रखें। ये देखिए, फिर से आप देखिए ये वीडियो, ये क्या बोल रहे हैं। अरे सालों को मैं कहना चाहूंगा जी, जितने भी जो मुल्ले जो गलत कमेंट कर रहे हैं, अबे सालों तुम तुम्हारा इतिहास देख लो, सिर्फ 1400 साल का तुम्हारा इतिहास है, हम तुम्हारे बाप है, हमसे तुम पैदा हुए हो, और ये कमेंट करना छोड़ दो बेटा, तुम्हारे गान में अगर दम है, फेस टू फेस लड़ाई लड़ो। ये है बीजेपी एमएलए राजा सिंह, ये है हमारे देश के मुख्यमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये है बीजेपी एमएलए राजा सिंह, जो साथ में बैठकर ये प्लानिंग बनाते हैं कि ऐसी बातें करनी है तुम्हें। मोदी जी, मैं सवाल कर रहा हूं आज आपसे कि हमारा देश कहां जा रहा है? क्या इस दिन के लिए हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया था कि एक आपका बीजेपी एमएलए आकर ऐसे भाषण दे, मुल्ले तुम्हारी हिम्मत है तो आकर मुझसे तुम डिबेट करो? क्या इस दिन के लिए हमने आप प्रधानमंत्री बनाया था कि आनंद कटघरे, आनंद हेडगे, क्या नाम है, जो भी नाम है इसका, आकर ये बोले कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दूंगा? ये बीजेपी एमएलए आकर ये कहता है कि मुस्लिम मुल्ले, क्या इसलिए हमने प्रधानमंत्री बनाया था आपको? और आप साथ में बैठकर के क्या गपशप कर रहे हैं, जरा बताएंगे मुझे आप? मोदी जी, मैं आपके रिप्लाई का वेट करूंगा, क्या गपशप कर रहे हैं यहां पे आप करें ना फोन अभी, मेरी वीडियो आप तक पहुंचेगी मोदी जी, मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी। मेरे भाइयों, क्या हो गया हमारे देश को? क्या यही डेमोक्रेसी है? क्या यही लोकतंत्र है? किसी को भी हम बैठा देंगे?
मेरे भाइयों, बहुत बुरा वक्त आ गया हमारे देश में आज। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ये मोदी जी, ये दीपक शर्मा, ये कोई हिंदू नहीं है। ये लोग दुकानदार हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं। इस बात को समझिए, ये हिंदू मुस्लिम मसला ना बनाने इस वीडियो को भी प्लीज। क्या हो गया हमारे देश को? मैं हर वीडियो में, मुझे पता नहीं मैं क्या बोलूं। बस अभी बस इस वीडियो को इतना शेयर करें कि ये वीडियो इस बेवकूफ राजा सिंह तक पहुंच जाए। और राजा सिंह, तुम क्या कहते हो, जरा सुने क्या कहते हैं राजा सिंह जी। और ये कमेंट करना छोड़ दो बेटा, तुम्हारे गान में अगर दम है। हाँ, मेरे उसमें दम है। लड़ाई लड़ो, हम मेरे उसमें है, मेरे उसमें दम है। तुम तैयार है क्या? देखो, मैं भी तैयार हूँ। मेरा जीमेल आईडी ले लो, राजा सिंह वली WALI98RAHMANI@gmail.com। मैं तुम्हारे मेल का इंतजार करूंगा। आई एम रेडी टू डिबेट विथ यू वन ऑन वन, बट इफ यू हैव द गट्स मिस्टर राजा सिंह एंड मिस्टर दीपक शर्मा, द ब्लडी टेररिस्ट, द बास्टर्ड दैट आई हैव सीन, आई एम नॉट यूज टू अब्यूजिंग। ओके, मैं गाली वाली नहीं दे सकता, मेरी जमीर मुझे साथ नहीं देती, मगर इन लोगों को मैं क्या करूं इनके साथ, इनको किस भाषा में समझाया जाए मुझे पता नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री जी, एक बार लोग फिर से मैं जनता को दिखा दूं कि आप और हमारे राजा सिंह जी बैठकर क्या गपशप कर रहे हैं। हमें पता, ऐसे गपशप एक बार फिर करें, आप उन्हें समझाएं कि आप देश को गवर्न करने आए, देश पे राज करने नहीं आए। यू आर हियर टू गवर्न दिस कंट्री एंड नॉट रूल दिस कंट्री। पीपल प्लीज शेयर दिस वीडियो, इसको इतना शेयर करें कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंच जाए ये वीडियो, और ये राजा सिंह जी तक भी पहुंच जाए हमारी वीडियो, ताकि ये जो ये जी से जी में दम है तुम्हारे, क्योंकि मेरे जी में दम है, तो राजा सिंह जी मेरे जी में दम है और मैं तुम्हारे साथ डिबेट करना चाहता हूं। और तुम में तो, अगर तुम्हारे जी में दम है, अब जी वो शब्द है वो जो इन्होंने इस्तेमाल किया, फिर सुनेंगे आप, बड़े शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हैं राजा सिंह जी, जी वाला शब्द। अरे वाह, ये देश के बीजेपी एमएलए हैं, वाह भैया, क्या मैं ताली बजाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आता मुझे। मेरे भाइयों, ये हिंदू मुस्लिम मसला नहीं है, ये मसला देश को बचाने का है, ये मसला हमारे लोकतंत्र को बचाने का है, हमारे डेमोक्रेसी को बचाने का है, हमारे जमहूरियत को बचाने का है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, और इतना शेयर कीजिए, इसकी लिंक को कॉपी कीजिए, इसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, इसको फेसबुक पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो हमारे देश के प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। प्लीज शेयर कीजिए, बिकॉज नाउ इट इज हाइट्स, दीज पीपल, दीज बास्टर्ड्स हैव क्रॉस्ड देयर लिमिट्स एंड इट्स टाइम दैट वी स्टॉप देम, वी टूगेदर। एक वली रहमानी के बोलने से कुछ नहीं होगा, एक ध्रुव राठी के बोलने से कुछ नहीं होगा, एक अब्बास हफीज के बोलने से कुछ नहीं होगा, एक अवी डांडिया जी के बोलने से कुछ नहीं होगा, एक विकास भाई, विकास रतन गोयल के बोलने से कुछ नहीं होगा। इस देश के लोगों को एकजुट होकर खड़ा होना होगा। हमारे सोशल मीडिया पे आने से कुछ नहीं होने वाला मेरे भाइयों, कब तक वीडियो बनाएंगे इस तरह हम? देश को, हमें और आपको बचाना है तो वीडियो शेयर कीजिए प्लीज। बहुत ज्यादा बोल चुका मैं अब।